हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? तो बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट कहते हैं जो आपने चैप्टर पढ़ा होगा अपनी बुक में वो ट्रिग्नोमेट्री था, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री के बाद आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या ट्रिग्नो से बोले हम। अच्छा, तो बेटा एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ कि आप ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है? जैसे अगर मैं इसको बताऊँ आपको, ध्यान से देख समझना ज़रा, अब बहुत ही ध्यान से समझेंगे आप इस चीज़ को कि फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, अभी आप मान लो यहाँ पर हैं, आप ये पर्सन है, ठीक है? मान लो ए बी आप पर्सन है, आपने क्या काम करा, कोई आप गए दुबई घूमने गए, आपने देखा भाई बुर्ज खलीफा है, ये रहा बुर्ज खलीफा यहाँ पे खड़ा है, आपने अपने यहाँ के आँखों से देखा, कहते हैं बुर्ज खलीफा के टॉप को, क्या देखा आपने अपने आँखों से बुर्ज खलीफा के टॉप को, तो अब आपको बताना है कि भाई बताओ बुर्ज खलीफा की हाइट कितनी है, बुर्ज खलीफा की हाइट कितनी है। हालांकि हम सबको नॉन है, ठीक है, लेकिन अगर नहीं नॉन हो तो कैसे बताएंगे भाई? उसके लिए क्या करते हैं ना हम, देखो यहाँ पे बहुत ध्यान समझना, हमें दो तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ट्रिग्नोमेट्री वहीं समझ में आ जाएगी कि ट्रिग्नोमेट्री यहाँ लग कैसे रही है। यहाँ पर देखो, जब आपने देखा ऊपर की तरफ, मान लीजिए मैं ऊपर की तरफ देखता हूँ, वहाँ पर लाइट है, अगर मैं उस लाइट की तरफ देखता हूँ तो मेरे यहाँ से कुछ ऊपर की तरफ देख रहा हूँ ना, ऊपर की तरफ देख रहा हूँ तो कुछ यहाँ से क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, समझ में आ रहा है इस तरीके से? तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है इस तरीके से, ठीक है? तो उस एंगल को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर मान लो कोई आपका दोस्त है, एक केस ये भी तो बन सकता है अगर मैं आगे बढ़ूं कि आपका दोस्त है, इस बार वो बुर्ज खलीफा के ऊपर खड़ा है, उसने आपको देखा नीचे, आप यहाँ पे खड़े हो भाई ग्राउंड पे, उसने आपको देखा, तो जब उसने आपको देखा तो बेटा अगर मैं यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन इस पर्सन की तरफ से था क्योंकि इसने यहाँ से देखा, किसको देखा, इस पर्सन को देखा, वही ऊपर से कोई पर्सन मुझे देख रहा है तो क्या आएगा, ऐसे ही आएगा एंगल। अब देखो, ये पैरेलल लाइन होगी किसके, इसके पैरेलल लाइन होगी, तो ये वाला एंगल किसके आ जाएगा यहाँ पर, इस तरीके से आ जाएगा अल्टरनेट एंगल। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों सेम आते हैं। अब ये बात आई कहाँ से, अब समझो जरा ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल बेटा, आप घर बना रहे हो, समझो जरा आप क्या कर रहे हो, आप अपना घर बना रहे हो, ठीक है? प्यारा सा आपने अपना अपना घर बनाया, अब घर में जो था ये आपका रास्ता जा रहा था इस तरीके से, ठीक है? अब आपको कहते हैं जो घर पे आपको मतलब अपनी कार चढ़ानी है, बाइक चढ़ानी है, तो आप क्या बनाते हो, अपना यहाँ पे एक स्लोप बनाते हो ना, इस तरीके से एक रास्ता बनाते हो ना, तो वो स्लोप जो आप बना रहे हो यहाँ पे, ये जो इस तरीके से बनाते हो, ये स्लोप चढ़ गया आपका, आपकी बाइक आई इस तरीके से, आपकी बाइक आई और आपने इसको चढ़ा दिया भाई, ये आप अपने लेके चले गए। अब मान लो कि आपका जो स्लोप है, यहाँ समझना, आपका जो स्लोप है वो इस तरीके से है, एक स्लोप तो ये है घर में चढ़ाने का, एक स्लोप ये है, बताओ बाइक किस पर चढ़ेगी बड़े प्यार से, भाई इस पर चढ़ेगी ना आराम से, क्योंकि इसका एंगल क्या है, कम है, इस पर लेके जाओगे तो भाई बहुत है, हो सकता है यहीं से धड़ाम नीचे गिर जाए। तो सारी बात यहाँ पे आती है कि आपने कहते कितने डिग्री के एंगल पे, कहते हैं उसको स्लोप दिया है, क्या दिया है, स्लोप, तो इसको हम बोलते हैं बेटा यहाँ से स्लोप, समझ में आया, ठीक है? स्लोप की बात आ गई। चलो एक और चीज़, आपको एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक रोड जा रही है, ठीक है, रोड पे फ्लाईओवर आ जाता है कहीं पे, फ्लाईओवर आ गया जी इस तरीके से, क्या आ गया जी, फ्लाईओवर आ गया। अब एक फ्लाईओवर तो ये जा रहा है जिसपे बड़े प्यार से गाड़ी आएगी, गाड़ी चढ़ेगी आराम से, गाड़ी उतर के चली जाएगी, एक और ले लो रोड, उसने ऐसा बना दिया थोड़ा सा और ऊँचा, तो भाई देखो ना यहाँ पे देखो गाड़ी को चढ़ने में कितनी दिक्कत आएगी, इसका मतलब इसमें भी क्या है, एंगल बड़ा एंगल कर दिया आपने, मतलब डिस्टेंस छोटी है और एंगल बहुत बड़ा कर दिया, यहाँ पर डिस्टेंस छोटी है और एंगल खूब बड़ा है, एंगल क्या है हमारा देखो खूब बड़ा एंगल जा रहा है, तो बड़े प्यार से हमारी गाड़ी चढ़ती चली जाएगी। तो सारी की सारी बात बेटा, ये सब जगह पर ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो रही है, आप यहाँ से नीचे की तरफ देख रहे हो, ठीक है, यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहे हो, ठीक है, आप कहते हैं आसमान में कोई पतंग उड़ रही है उसे देख रहे हो, किसी पेड़ को देख रहे हो, आप किसी बिल्डिंग को देख रहे हो, ठीक है, आप अपने कहते हैं नीचे खड़े हैं बैठे हैं और वहाँ से आप किसी अपने दोस्त को बालकनी में खड़ा है उसे देख रहे हैं, सब जगह ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो रही है, ठीक है। ये चैप्टर जो है हमारा, ये पूरा पूरा उसी चैप्टर के ऊपर है, ठीक है, समझ में आ गया? तो हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद।
तो चलिए बेटा देखो चैप्टर के लिए मैंने आपके लिए सामने बुक ओपन कर दी है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो ये वही बता रहा है, कोई पर्सन है ए ई, उसने यहाँ से किसी पर्सन को या यहाँ पे टॉप को देखा, तो देखो लाइन ऑफ साइट देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बनेगा, ऐसे यहाँ पे लाइन ऑफ साइट है, इस तरीके बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ से कहते हैं उसने ऑब्जेक्ट को देखा, पतंग वाला एग्जाम्पल ये रहा। ये देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर से बालकनी से किसी ऑब्जेक्ट को देखना, ये भी यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल एलिवेशन क्या रहेंगे हमारे, सेम रहेंगे। ये एनसीईआरटी की बुक में आपको सब समझा रखा है। ठीक है, ये देखो एक एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स आप करेंगे बड़े प्यार से अपने आप, लेकिन उससे पहले, ठीक है, पहले आप एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स अपने आप समझ में आ जाएंगे सारे। चलिए तो हम आ जाते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज, एक ही एक्सरसाइज है इसके अंदर बेसिकली, और उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। जरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को एक बार आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ उसे। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग, देखो एक सर्कस आर्टिस्ट है हमारा, वो क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप। क्या कर रहा है बेटा, 20 मीटर लॉन्ग रोप को रोक कर रहा है। देखो डायग्राम इसमें अलग ही दे रखा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट टू द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। एक वर्टिकल पोल दे रखा है हमें यहाँ पर, क्या दे रखा है बेटा, वर्टिकल पोल। देखा ध्यान समझना, ये वर्टिकल पोल हो गया मान लेते हैं हमारा। इस वर्टिकल पोल को हमने यहाँ से इसके टॉप को बांध रखा है, किसी कहते हैं किससे, थ्रेड से बांध रखा है, मतलब रॉप से बांध रखा है, और फिर तो इसे भी जोड़ना पड़ेगा ना भाई, ये यहाँ से भी जुड़ेगा, इसका मतलब ये यहाँ पे भी आ गया इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा कुछ फिगर है ये रहा। अब हम कहते हैं यहाँ पे अपने जो डायमेंशन से वो दे देते हैं, मान लेते हैं ये ए बी जो है वो हमारा क्या है, क्या है, ए बी इज़ द पोल। तो ए बी हमारा पोल हो गया, यहाँ से अब ये पॉइंट ले लेते हैं सी, तो ए सी इज़ द रॉप, ए सी इज़ द रॉप। ठीक है, और ये 20 मीटर है, ये क्या है हमारी, ये 20 मीटर दे रखी है इन्होंने, ये पूरी इसकी लेंथ। चलिए बड़े प्यार से बेटा ट्रिग्नोमेट्री के वाले क्वेश्चंस बड़े प्यार से, अगर आपको पिछले वाली ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस दो चीज़ें आपको आनी चाहिए, वो मैं आपको बता के चलूँगा अभी फर्स्ट क्वेश्चन से ही कैसे आप करोगे। ठीक है, सेकेंड चीज़ आपको डायग्राम बनाना अगर आपका आ गया, उसके बाद तो क्वेश्चन बिल्कुल खत्म ही है समझ लो, कैलकुलेशन करनी है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल बताओ, हाइट ऑफ द पोल क्या है भाई, ये है मान लो ये हमारी x है, क्या है हमारी x है, x बताना है हमें, अगर एंगल जो बना रहा है वो कितना बना रहा है, 30 डिग्री का। समझ में आ गया बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पर। तो कैसे करेंगे देखो, अब हमें क्या क्या चीज़ें नॉन है, हमें नॉन है भाई ये, अगर मैं इसकी बात करूँ तो 90 डिग्री है, 90 के सामने वाला कौन सा होता है, कौन सी साइड होती है बेटा, ये होगी हमारी हाइपोटेनियस, ये क्या है, हाइपोटेनियस। 90 के नीचे वाला क्या होगा हमारा, ये हो गया हमारा बेस, और ये हमारी क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर। अब आपने जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी लास्ट चैप्टर के अंदर, तो आपने यहाँ पे इन तीनों रिलेशंस के बीच में कुछ कहते हैं, कुछ एक पढ़ा था, कहते हैं कि इनकी रिलेशन होती है आपस में, पढ़ा था। जैसे अगर मैं अभी उस सबसे चैप्टर से अलग हटता हूँ, तो ये था आपका पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा, मैंने अपनी वीडियो में भी डिस्कस करा था, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, समझ में आ गया। तो अब क्या होते हैं यहाँ पर, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती है ना बेटा, वो यहाँ पे साफ साफ हमें दिख जाती हैं कि कौन कौन सी रेशियो कैसे होती हैं। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो ये होता है साइन, ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो ये होता है कॉस, ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो ये होता है हमारा टेन, नीचे से देखें तो ये टेन का उल्टा कॉट, यहाँ से देखें तो ये होता है हमारा सेक, और यहाँ से देखें तो ये हमारा क्या होता है कॉसेक। समझ में आ गया सभी को, ये हमने पहले बता रखा है। चलो अब ये चीज़ अगर हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन पता है तो हम साइन को लगाएंगे, इन दोनों के बारे में पता है तो कॉस में लगाएंगे, इन दोनों के बारे में पता है तो हमें टेन के बारे में लगाएंगे। समझ में आ गया। इसके साथ साथ यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपने पढ़ी थी, मैं उसे ही डिस्कस कर लेता हूँ, साइन कॉस और टेन। बेटा आप बस इन तीनों पर कमांड रखना है आपको, किसे में रखना है, इन तीनों पे कमांड रखना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूँ इन्हें लर्न करना है, लर्न नहीं करना है। ठीक है, बहुत सिंपल समझ लेना, आप तीनों को लर्न करने बिल्कुल नहीं जाएंगे, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे भाई, कम से कम लर्न करना है। ठीक है, मैथ में लर्न करना ही नहीं होता है। देखो यहाँ पर 0 डिग्री हमें नॉन जो पता होने चाहिए, 30, 45, 60 एंड 90, ये पांच एंगल की बात आती है ना सारी की सारी। चलो तो साइन जीरो पे हमें पता है जीरो होता है, जीरो से वन तक जाना है, जीरो से वन तक, बस साइन का याद कर लो, साइन से यहाँ पे आगे। अच्छा, जीरो और वन के बीच का क्या होगा नंबर, 1/2, कितना होगा 1/2 यहाँ पे आएगा। अच्छा, 45 पे क्या हो जाएगा, नीचे जो है वो 1/√2 कर दो, 1/√2 कर दो। अच्छा, 60 पे क्या हो जाएगा, 60 पे हो जाएगा आपका √3
टू। अगर बेटा आपको इतना भी लर्न नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मैंने एक शॉर्ट में वीडियो बना रखी है, ठीक है, आपके जो शॉर्ट्स वीडियो होती है उसमें बता रखा है कि अगर आपको साइन की वैल्यू निकालनी है तो आप अपनी फिंगर्स की मदद से बता सकते हो, ठीक है, आप जाके देखेंगे चैनल पे, हमें मिल जाए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब क्या करना है, साइन के पता लग गए ना भाई, इतना कर लो, कॉस के अपने आप निकल जाएंगे, उल्टा कर दो, उधर से लिखना स्टार्ट कर दो, देखो लिखो वन, फिर रूट थ्री बाय टू, फिर यही आ जाएगा वन बाय रूट टू, फिर ये ले जाओ वन बाय टू, और फिर ये कर दो, मतलब ऐसे लिखा अभी ना, ऐसे लिख दो उल्टा, क्लियर कर सकते हैं भाई, पक्का। चलो अब आ जाओ टेन पर, टेन क्या होता है, टेन होता है हमारा, टेन थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इस रिलेशन से हम कहते हैं साइन, टेन की वैल्यू निकाल सकते हैं, ज़ीरो अपॉन वन, तो ज़ीरो अपॉन वन इज ज़ीरो, ज़ीरो अपॉन वन इज ज़ीरो, ठीक है। चलो वन अपॉन टू, वन अपॉन टू अपॉन रूट थ्री अपॉन टू, तो टू से तो टू कटा, क्या बचा बताओ जल्दी से, वन अपॉन रूट थ्री, वन अपॉन रूट थ्री, वन अपॉन रूट टू से वन अपॉन रूट टू कटेगा तो कितना आएगा बेटा, ओनली वन, रूट थ्री अपॉन टू कितना आएगा यहाँ पर, रूट थ्री, एंड वन डिवाइड बाई ज़ीरो इज नॉट डिफाइंड, तो टेन नाइन्टी कभी आपका बनेगा ही नहीं। अब आप मुझे एक बार बताओ टेन नाइन्टी कहाँ पर, देखो अभी जो हमने बात करी थी स्लोप की बात करी थी, मैं आपसे बात कर रहा था कि जो बेटा स्लोप बनता है हमारा इस तरीके से, सारी बात यहाँ पे आ जाती है कि ये एंगल कितना है। अगर आपने कभी ऐसा स्लोप देखा है क्या, कभी आपने ऐसा स्लोप देखा है क्या, कभी कोई गाड़ी चढ़ा पाओगे क्या, अरे शक्तिमान थोड़ी ना आ जाएगा चढ़ा देगा, नहीं ना, ऐसे नहीं चढ़ सकती गाड़ी, समझ में आ गया ना। चलो तो इसलिए 90 पे देखो नॉट डिफाइंड, क्लियर हो गया। चलो अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ, अब क्वेश्चन करने के लिए आपको बस एक तो ये टेबल जो मैं आपको बता रहा था, एक तो आपको ये टेबल, टेबल में भी साइन वाला लाइन बस थोड़ा सा याद कर लो, ट्रिक कर लो बस, बाकी तो वहाँ पे जाके पेपर में जाके उल्टा कर देना सब कुछ, समझ में आ गया ना, इसके लिए उल्टा और इसको डिवाइड कर देना। और ये आपको पता ही होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पंडित हरी प्रसाद पदरी प्रसाद हर हर बोले, समझ में आ गया। एक और बता दूँ, चलो एक और बता देता हूँ, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, अब वो हाँ हाँ बेटा तो यार हाँ ट्रिक के लिए, वहाँ पे अगर बोल दिया ना पापा से तो लट पड़ेगा अच्छे वाला, ठीक है। चलो हम पीछे अपने क्वेश्चन पे आते हैं, अब हमें बेटा नॉन क्या क्या है, जरा देखो, हमें हाइपोटेनियस नॉन है और हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो अगर आपको नहीं समझ याद आ रहा है तो इसे बस साइड में लिख लिया करो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, मैं हर क्वेश्चन में ऐसे लिख दूंगा साथ में ताकि आपको समझ में आ जाए। आप देखो पी हमें पता है जानना है, एच हमें पता है, तो पहली रिलेशन देखो कौन सी निकल रही है, साइन से निकल रही है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा, साइन 30 डिग्री, कितना साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री है ना, साइन 30 डिग्री किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितनी है हमारी ए बी, और हाइपोटेनियस कितनी है हमारी ए सी, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, वन बाय टू, कितनी वन बाय टू, ए बी की वैल्यू कितनी है एक्स है, और ए सी की वैल्यू कितनी है 20 है। अब देखो सिंपल सिंपल, आप 20 को ऊपर भेज दो, 20 को एक्स इज इक्वल टू 20 बाय 2 इज इक्वल टू 10 मीटर, कितना आ गया भाई 10 मीटर, और सिंपल से मतलब जो हमारा पोल था वो 10 मीटर का था, सिंपल सी बात है। आप जरा सोचो कि 30 डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री के एंगल को जरा बढ़ा दो 60 डिग्री, अरे चढ़ पाएगा क्या इंसान, नहीं चढ़ पाएगा, गिर जाएगा, मजाक उड़ जाएगा उसका सबके सामने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार पढ़ लेते हैं। चलिए अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म, आंधी तूफान में पेड़ टूट जाते हैं, आपको पता है कुछ इसी टाइप का सिचुएशन बता रखा है यहाँ पर, कि एक पेड़ टूट गया आंधी के कारण, तूफान के कारण, और ब्रोकन पार्ट इस तरीके से बैंड हुआ कि सो दैट द टॉप, जो ऊपर का हिस्सा था उसका वो ऐसे गिरा, समझो जरा, ये मान लो ये हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, पूरा पेड़ है, समझ लो जरा, अगर नहीं दिख रहा है तो ये समझ लो पेड़ है, ये पूरा हमारा पेड़ है, समझ में आया। अब ये ऐसा टूटा और ये ऐसा आके गिर गया, देखो ये ऐसा, ये नीचे का हिस्सा बच गया और ये हमारा टॉप वाला हिस्सा हो गया, तो मैं यहाँ पे आपको बनाकर दिखा देता हूँ, जरा ध्यान समझना। देखो ये था हमारा मान लो ओरिजिनल पेड़, ठीक है जी, ये यहाँ से ब्रेक हुआ और ये ब्रेक होके कुछ इस तरीके से गिर गया, मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या होगा हमारा बराबर, फिर ये इधर भी जुड़ रहेगा, ये ऐसे भी जाएगा, ठीक है। तो अब आप ये समझो कि ये जो आपका ऊपर वाला हिस्सा था ना, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये आपका, मैं इसको अलग से बनाना पड़ेगा मुझे, ये ऐसे जाएगा,
और इसके ऊपर का हिस्सा हमारा टूट के ये यहाँ पे आ गया, ये ही तो यहाँ पे आया है ना, ये इस तरीके से आया, ये वाला हिस्सा यहाँ पे आके गिरा, ये हो गया क्लियर डायग्राम। सो डैट मेकिंग एन एंगल, एंगल कितना बना दिया भाई, एंगल बना दिया 30 डिग्री, कितना बना दिया 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टच इज द ग्राउंड, फुट ऑफ द ट्री यहाँ है, जहाँ पे टच कर रहा है वहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 8 मीटर, कितनी है 8 मीटर। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी था, तो ए सी हमारा क्या था, ओरिजिनल ट्री, ठीक है। अब उसने क्या पूछा, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री में बेटा वो पूछ रहा है ए सी की वैल्यू, ओरिजिनल ट्री की वैल्यू, ना कि ब्रोकन पार्ट की वैल्यू या जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है उसकी, पूरे की पूछी है। चलो जी निकालते हैं। अब देखो, अब हमें पता है कि नीचे वाला हिस्सा अलग था, ऊपर वाला हिस्सा अलग है, दोनों के लेंथ के बारे में कोई जिक्र नहीं दिया है, तो हम मान लेते हैं ये वाला हिस्सा हमारा एक्स है और ये वाला हिस्सा हमारा हमारा एच है, तो टोटल हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, तो ए सी हमारा किसके बराबर होगा, एक्स प्लस एच के बराबर होगा, हमें यही निकालना है, मतलब एक्स की वैल्यू निकालो और एच की वैल्यू निकालो। अब देखो जरा ध्यान से, समझना ध्यान से, एक बार रिलेशन निकालो एच और एट के बीच में, एक बार रिलेशन निकालो एक्स इसके, एक नॉन एक अननोन, समझ में आ गया, ट्रिक ये है। चलिए अब थोड़ा सा चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखो इस एंगल के हिसाब से ये क्या बनेगा, हमारा बेस बनेगा, और ये क्या बनेगी हमारी, बताओ जल्दी से, ये हमारी क्या बनेगी, हाइपोटेनियस बनेगी, ठीक है। तो साइन, अगर मैं लगाऊं साइन 30 डिग्री तो क्या लगेगा साइन 30 के हिसाब से, बताओ जरा। अच्छा साइन 30 के हिसाब से लगेगा ये, एक मिनट रुक जाओ जरा, वो भी रुक जाओ, पहले हम अपना वही टेबल बनाएंगे, रुक जाओ, आपके लिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। देखो जरा परपेंडिकुलर कहाँ है, ये क्या है, ये बेस है, बेस ये रहा और हाइपोटे, मतलब यहाँ पे तो कॉस थीटा लग रहा है, क्या लग रहा है बेटा, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस क्या है इसका, ये सी पॉइंट, सी डी पॉइंट, तो ए डी अपॉन हाइपोटेनियस बी डी, इस तरीके से कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन 60 की होती है, कितनी हो गई, रूट 3/2 इज इक्वल टू ए डी की वैल्यू, ए डी कहाँ है, ए डी ये रहा 8 अपॉन बी डी कितना है हमारा एच, तो यहाँ से हमें h की वैल्यू निकलती दिखाई दे रही है, h को ऊपर भेजो तो h इज इक्वल टू 2 को ऊपर भेजो तो 2 ये हो जाएगा 16/√3, 16/√3। चलिए जी h निकल गया, x भी निकालना है, अभी x भी निकालना है बेटा, x इधर आ जाओ। अब जरा देखो x कैसे निकालेंगे आप, x के लिए इन दोनों में रिलेशन देख लो, तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के लिए तो ये रही और नीचे बेस, तो p ओवर b लगेगा, तो यहाँ पे आएगा tan 30 डिग्री, कितना tan 30, पहले क्या आएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब कि ए बी, कितना ए बी, और बेस कितना है इसका ए डी, मतलब कि यहाँ पे क्या आ गया रूट थ्री, ओ वन अपॉन रूट थ्री है ना, 1/√3। ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा एक्स है और ए डी की वैल्यू कितनी है बेटा 8 है। देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स इज इक्वल टू 8 ऊपर गया, 8/√3। अब आपके सामने h भी निकल के आ गया और x भी निकल के आ गया, तो हम बताएंगे भाई हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू x प्लस h, x की वैल्यू है 8/√3 प्लस h की वैल्यू है 16/, तो कितना हो गया, डिनोमिनेटर सेम है, 24/√3। अब मेरे कुछ बच्चे जिनको ना पता हो, बेटा नीचे डिनोमिनेटर में कहते हैं इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, रूट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसको रेशनलाइज कर देंगे, तो ऊपर नीचे रेशनलाइज रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना आ जाएगा 24√3। रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट से करें, सेम नंबर हो तो अंदर का नंबर बच जाएगा, रूट कट जाएगा, 3 से काटा 24 का कितना आया 8, तो ये हमारा आंसर आएगा 8√3 मीटर। बेटा अगर आप डिस्टेंस है मीटर नहीं लगा के आएंगे, सेंटीमीटर नहीं लगा के आएंगे, तो आपका हाफ मार्क्स काटने का आपके एग्जामिनर के पास पूरा मौका है, उसे ये मौका ना दिया जाए, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया क्वेश्चन सभी को, कुछ नहीं करना था, एक्स और एस दोनों अलग अलग निकालने थे, उससे हमारा क्वेश्चन आराम से हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं।
एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने प्लान करा कि इंस्टॉल करेगा दो स्लाइड को, इंस्टॉल टू स्लाइड फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क, दो स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन बिलो फाइव ईयर। उसने कहते हैं बोला कहते हैं अच्छा कॉन्ट्रैक्टर शी है, शी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट 1.5। उसने बोला कि भाई छोटे बच्चों के लिए तो मैं उसकी हाइट लूँगी 1.5, ठीक है, मैं इसे 1.5 बाद में ड्रॉ करूँगा। इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री, अब इसे जोड़ दो, अब जोड़ दो, अब एंगल मिल गया ना, तो ये बनेगा एंगल। चलिए जी, और उसने बोला एक मिनट, यहाँ पे बोला उसने कि यहाँ पे जो एंगल लेने हैं वो हम लेंगे 30 डिग्री और इसकी हाइट लेंगे 1.5 मीटर। चलिए जी, मान लेते हैं ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। अब उसने एक और चीज़ बोली है भाई क्वेश्चन में, उसने बोला है कि जो दूसरे बच्चे हैं, कौन से बच्चे हैं, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट, एक स्टीप स्लाइड चाहिए, स्टीप का मतलब बिल्कुल सीधी है ना, इस तरीके से, एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। तो हाइट थोड़ी सी बढ़ा देते हैं भाई, ये ले हाइट बढ़ा दी हमने, ठीक है, और इसके बाद हम इसे जोड़ देते हैं। कितना एंगल बोला है बेटा, एंगल बोला है उसने 30 डिग्री, रुक जाओ, ये एंगल बोला है उसने, एंगल बोला है उसने 30 डिग्री, कुछ इस टाइप से जाएगा, और इसको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, ये बनेगा हमारा फिगर। तो ये जो इसने डिस्टेंस बोली है, ये वाली, ये इसने बोली है 3 मीटर, मान लो ये डी ई और एफ, ये सेकेंड हो गया ट्राइंगल हमारा, तो और एंगल इसमें बनेगा हमारा 60 डिग्री, कितना। तो दो केसेस हैं आपके सामने, फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, स्लाइड की लेंथ, स्लाइड क्या है, आप जरा स्लाइड तो देखो भाई, स्लाइड है क्या, स्लाइड है हमारी ये है हमारी स्लाइड, ये है हमारी स्लाइड ए सी इस केस में और डी एफ इस केस में, ये लेंथ निकालो भाई जिससे बच्चा झूलता हुआ जाएगा नीचे को, है ना। चलो इस केस में आ जाओ, पेन अपना चेंज कर लेते हैं हम, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, आप जरा देखो, बना लो फिर से बेटा, ये तो बना लोगे ना बहुत अच्छा रहेगा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब हमें क्या क्या पता है, हमें ये पता है और हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है। तो क्या क्या, ये क्या है परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, और ये क्या है हमारी परपेंडिकुलर है, एंगल के सामने की साइड है, तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, मतलब साइन थीटा। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारी ए बी, और हमारा जो हाइपोटेनियस है वो क्या है हमारी ए सी है। तो ये होती है साइन 30 की वैल्यू 1/2, ए बी की वैल्यू 1.5, और ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ए सी यहीं पे रह जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 2 की मंडला इसमें जाएगी, आ जाएगी 3 मीटर। लो जी, एक तो निकल गया। अब ऐसे ही सेम केस में मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये एक वाला पार्ट बेटा आपको करना है, बिल्कुल सेम, एंगल 60 हो जाएगा, ए बी यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारी डी ई आ जाएगी, अपॉन में आपका डी एफ आ जाएगा, वैल्यू चेंज होगी साइन 60 की, रूट 3/2, कितना, रूट 3/2, मैं बता रहा हूँ, रूट 3/2 वैल्यू इधर डालेंगे, और इधर आपका 3 मीटर अपॉन डी एफ, डी एफ की वैल्यू बता के आपको कमेंट करना है कि सर क्वेश्चन नंबर 3rd में जो सेकेंड पार्ट आपने पूछा था हमने इसका आंसर कर लिया है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th को देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, एक ग्राउंड पे जो पॉइंट है वहाँ से देखा गया, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। तो देखो हो क्या रहा है, क्या कह रहा है, कोत कुछ नहीं कह रहा, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर बना दो, टावर बन गया ग्राउंड पर किसी पॉइंट जो 30 मीटर अवे है, यहाँ से 30 मीटर दूर मान लो ये हो गया, ठीक है, और यहाँ से जब हमने इसको देखा, ये इस तरीके से देख कह रहा है ये, ठीक है। चलिए डायग्राम बन गया हमारा, ये कह रहा है कि ये 30 मीटर है, कितना है 30, मान लो लेट ए बी बी द टावर, ए बी बी द टावर, ठीक है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम टॉप एंड एंगल इज 30 डिग्री, एंगल कितना है बेटा, एंगल इज 30 डिग्री, इसे ए सी हो गया। तो उसने पूछा फाइंड द हाइट ऑफ टावर, आपको बताना है ए बी की कितनी लेंथ है, मान लेते हैं लेंथ कितनी है उसकी एक्स है, थोड़ा बहुत लैंग्वेज लिखना पड़ेगा आपको, लेट ए बी बी द कहते हैं हाइट ऑफ द टावर, एंड लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स, एंड बी सी इज इक्वल टू 30 मीटर गिवन, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, इतना लिख देना है। उसके बाद इन ट्राइंगल ए बी सी, अब जरा देखो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस में क्या लगता है, टेन थीटा, तो क्या लगाएंगे, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बेस इज हमारा कितना है बी सी, टेन 30 की वैल्यू 1/√3,
ए बी की वैल्यू एक्स मीटर जो हमें निकालनी है, और बी सी की वैल्यू हमारी 30 है। एक्स 30 को ऊपर भेज दो तो एक्स इज इक्वल टू 30 ओवर रूट 3। और उसने हमसे पूछा क्या है, हाइट ही से पूछी थी। अब वही वाली बात है भाई, रूट 3 नहीं होना चाहिए जैसा हमने करा था लास्ट क्वेश्चन में। तो ऊपर नीचे रूट 3 अंडरलाइन कर दो, कितना आ गया 30 रूट 3। रूट रूट सेम है तो अंदर आएगा, बस अंदर का नंबर 3 से काटा, यहाँ आया 10। तो आंसर इज 10 रूट 3 मीटर। कितना सिंपल था क्वेश्चन, है समझ में आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भाई एक फ्लाइट है, समझो जान से, एक फ्लाइट है जो कहते हैं उड़ रही है एज अ हाइट ऑफ 60 मीटर। अब मान लेते हैं हम कहते हैं एक बना लेते हैं, ज़रा देखो ये कर लेते हैं हम, मान लेते हैं हमारी काइट यहाँ पे उड़ रही है इस वक्त। लो जी मैंने आपके यहाँ पे काइट ही बना दी एक, ठीक है जी, काइट हमारी यहाँ पे उड़ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, जो कि 60 मीटर हाइट पर है, मतलब कि ये हाइट हमारी कितनी है 60 मीटर है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट, अभी उसको बांध दिया गया है, अभी क्या कर दिया उसको यहाँ से बांध दिया गया कहीं पे ग्राउंड पर। द इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मतलब क्या, एलिवेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब इसे क्या करो, यहाँ पे ग्राउंड पे जोड़ दो जी, हमने जोड़ दिया, और इसको यहाँ पे हमने इसको जोड़ दिया। लो जी उसने बोला इंक्लिनेशन कितना है उसका, इंक्लिनेशन कितना है उसका बताओ जल्दी से, 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री। और 60 मीटर की ये हाइट पर है, 60 मीटर की क्या है ये हाइट पर है। तो मान लो ये ए है, ये बी है, और ये सी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कहाँ है, यही तो स्ट्रिंग हुई, ये तो ग्राउंड की हाइट है, डिस्टेंस है, ये हाइट है, तो स्ट्रिंग ये हुई, तो हमें ये निकालना है, एक्स निकालना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखिए जरा बेटा क्या क्या लग रहा है यहाँ पर, लगा लो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, क्या क्या रिलेशन। अरे हो ये क्या है, हाइपोटेनियस, ये क्या है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के बीच में डिस्टेंस साइन थीटा, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, बताइए जल्दी से, देखो मैं एक बार देख लेता हूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है ना, हाँ ठीक है। तो क्या क्या निकलेगा, परपेंडिकुलर कितनी है इसकी बताइए बेटा, ए बी कितनी है, ए बी, और हाइपोटेनियस कितनी है इसकी, ए सी। साइन इसकी वैल्यू कितनी होती है, रूट 3/2, और ए बी की वैल्यू कितनी है हमारी 60 मीटर, और ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है एक्स, एक्स को ऊपर भेज दो, एक्स को तो ऊपर भेज दिया, टू की मंडलवाई किसमें कर दो, टू इंटू 60/√3। अब देखो कैसे करेंगे, ये हो गया 120/√3, रूट 3 नीचे नहीं होना चाहिए, तो रूट 3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 120√3/3, 3 से काटा यहाँ पर तो आया 40 इक्वल टू 40√3 मीटर, 40√3 मीटर की आपकी स्ट्रिंग होगी ये वाली। समझ में आ गया बेटा जी, चलिए पक्का। चलो क्वेश्चन नंबर 6। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। दो चीज़ें की बंदी दी उसने, एक तो बोला है कि 1.5 मीटर या 1.5 मीटर टॉल एक बॉय है, ठीक है, चलो इसे ड्रॉ करते हैं डायग्राम्स का, मान लेते बेटा ये आपका बॉय है, ठीक है। उसने कहते हैं एट सम डिस्टेंस पे, कुछ डिस्टेंस पे एक टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और वो ऊपर की तरफ मुझे देखना है इस तरीके से, ठीक है। तो 30 मीटर हमारी टॉल बिल्डिंग है, तो मान लेते हैं ये हमारी टोटल यहाँ पे हाइट होगी इस तरीके से। चलिए अब क्या करते हैं, इसको यहाँ से देखा उसने, उसने बच्चे ने देखा ऐसे, क्या देखा ऐसे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इस हाइज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। यहाँ पर देखा था 30 डिग्री, आगे की तरफ बढ़ा, आगे की तरफ बढ़ा, तो देखो ना, देखो अब आप खुद एज्यूम करना जरा, जब मैं यहाँ से ऊपर देख रहा हूँ तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसा है, जब मैं ऐसे जाते जा रहा हूँ तो मेरी आंखें देखो ऊपर की तरफ जाती जा रही है, दिख रहा है ना, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है मेरा, बढ़ रहा है। देखो जरा अभी देखो और अभी देखो, समझ में आ रहा ना, ये चीज़ बात हो रही है बस यहाँ से, ठीक है। चलिए तो यहाँ से और कुछ डिस्टेंस बाद जब उसने देखा तो कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, तो मान लेते हैं यहाँ से जब उसने थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा तो यहाँ पे आ गया, और इसको जोड़ देते हैं ये ऐसे, और इसको जोड़ देते हैं ये ऐसे, डायग्राम समझ में आ रहा है ना आपको बेटा। चलिए अब मैं यहाँ पे इसके डायमेंशन बता देता हूँ, मान लेते हैं ए बी हमारा टावर था, बिल्डिंग थी, ठीक ना, बिल्डिंग थी, जो हमारा बॉय था वो था हमारा सी डी, ठीक है, जिसकी हाइट थी 1.5 मीटर, और ये पूरा कितना था 30 मीटर। अच्छा एक पॉइंट ये बीच में आ रहा है,
ठीक है, यहाँ पे सी डी ए मान लेते हैं, ये ई हो गया और ये पॉइंट हो गया हमारा एफ पॉइंट हो गया। अब जरा देखो, यहाँ से देखा उसने तो एंगल था कितना 30 डिग्री, आगे जाके देखा तो एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, कितना हो गया बेटा 60 डिग्री हो गया। अब आपको बताना है कि कितनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल करी है, मतलब यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी ई, यहाँ से लेकर यहाँ तक चला है तो इसकी वैल्यू निकाल के दे दो, यही तो बात हुई। चलिए और मान लेते हैं ये वाली डिस्टेंस जो है आपकी वो है एक्स, कितनी है बेटा एक्स, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है आपकी वाई, भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की एक्स और यहाँ से लेके यहाँ तक की वाई। अच्छा तो पूरी कितनी हो गई फिर, ये पूरी कितनी हो गई, ये हो गई एक्स प्लस वाई, समझ में आ रहा है ना। अगर ये एक्स है, मैंने माना कि एक्स डिस्टेंस चला, तो यहाँ से आगे तक की डिस्टेंस वाई बची होगी, तो दोनों टोटल डिस्टेंस कितनी होगी एक्स प्लस वाई, ठीक है। अच्छा ये 1.5 का रोल क्या है, अब आप देखो जरा, अगर मैं इतना खड़ा हूँ यहाँ पे खड़ा हूँ, मान लेते हैं मेरी हाइट 6 फुट है, तो मेरी जो 6 फुट की हाइट है मैंने यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन नापा जाएगा ना, कि ना कि मेरे पैरों से, समझ में आ रहा है। मैं ग्राउंड से नहीं देख रहा हूँ, मैं कहाँ से देख रहा हूँ, मेरी हाइट से देख रहा हूँ, तो मेरी हाइट को भी तो काटोगे ना इसे यहाँ से, इसका मतलब 1.5 आपका एफ ये भी तो हुआ, तो 1.5 इसे माइनस करेंगे, तो हमें जो निकालना है वो ए एफ की वैल्यू निकालनी है। ए बी इज इक्वल टू 30 मीटर एंड सी डी इज इक्वल टू बी एफ इज इक्वल टू 1.5 मीटर, हमें चाहिए ए एफ की वैल्यू, तो ए एफ कितना आ गया 30 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 28.5, कितना 28.5, ये इतना था, ये बहुत है, इतना आ गया ना। चलो अब हमें क्या करना है, ध्यान समझना, जहाँ पे आपको दो ट्राइंगल बनते हुए दिखाई दे जाएँ, क्या दिखाई दे जाएँ बेटा, दो ट्राइंगल बनते दिखाई दे जाएँ, वहाँ पर पहले एक बार एक छोटे ट्राइंगल में ले लेना, एक बार बड़े ट्राइंगल में लेना, छोटे ट्राइंगल से कुछ वैल्यू निकल के आएगी, उसको बड़े वाले इक्वेशन में डाल देंगे। देखो एक एफ ई ए ई एफ ए ई एफ, छोटे वाला ट्राइंगल देखना, एन ट्राइंगल ए ई एफ ए ई एफ, हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि हमारे पास हाइट है 28.5, हमारे पास ये डिस्टेंस है वाई, अगर मैं वाई निकाल लूँ कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा, वाई निकालने की कोशिश करो, तो ये सामने क्या है परपेंडिकुलर, ये नीचे क्या है बेस, तो टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री परपेंडिकुलर ए बी ए एफ ए एफ अपॉन, और नीचे क्या है हमारी ई एफ, टेन 60 की वैल्यू रूट 3, ए एफ की वैल्यू 20, ई एफ की वैल्यू वाई, तो क्या y की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, y इज इक्वल टू 28.5 अपॉन रूट 3, इसको यहीं पर छोड़ देना है, इसमें और कुछ नहीं करना, क्लियर जी। चलिए अब थोड़ा सा आ जाओ इधर, अब मैं कह रहा हूँ कि बड़े वाले ट्राइंगल में आ जाओ, ए बी ए ए एफ सी इन ट्राइंगल ए एफ सी, इसमें हमें पूरी डिस्टेंस बताया है ना, ये देखो ये और ये, मतलब अगर ये इतनी है तो ये भी तो इतनी होगी ना, ये तो ट्रैन 30 डिग्री क्या होगा बेटा, ए एफ अपॉन एफ सी, ए एफ अपॉन एफ सी। अच्छा टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ए एफ कितना है हमारा, ए एफ था 28.5 और एफ सी कितना था हमारा एक्स प्लस y, x प्लस वाई को ऊपर भेज दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5√3, ये रिलेशन आपके सामने आ गया 28.5√3। अब हमें पता है कि y की वैल्यू इतनी है तो y की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो x प्लस 28.5 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 28.5√3, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 28.5√3 माइनस 28.5 अपॉन रूट 3। एलसीएम लेंगे अब यहाँ पर, पहले सिंगल टर्म कराएंगे, रूट 3 नीचे आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 को, रूट के मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा 28.5 इंटू 3, इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे माइनस 28.5, ठीक है जी। दोनों में 28.5 कॉमन है तो मैं इस तरीके से करता हूँ, 28.5 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा होगा 3, कितना बचा होगा 3, यहाँ पे कितना बचा होगा 1 अपॉन में रूट 3। अब देखो ज़रा, ये आ गया 28.5 इंटू 2 अपॉन रूट 3,
28 के अंडर 20 कितना आ गया 57, 57 ओवर रूट 3 इंटू अपॉन में रैशनलाइज कर दो रूट 3 अपॉन रूट 3, तो 57 रूट 3 अपॉन रूट 3 ये कितना नीचे आ गया 3, 3 से काटेंगे यहाँ पे कितना आएगा 19, तो इट इज 19 रूट 3 मीटर द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू कितनी आ गई 19 रूट 3। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन करनी है। देखो मैंने कहीं डेसिमल में नहीं गया, मैंने मल्टीप्लाई नहीं करी है यहाँ पर, ठीक है, नहीं तो आप करते रहते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप यहाँ से बहुत सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू कर सकते हो इसको। अगर आपको समझ में ना आया हो, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ठीक है दोबारा से इसको डिस्कस कर लूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम। अब बेटा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझना। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कहते हैं कोई पॉइंट है हमारा ग्राउंड पे, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन बिल्डिंग। मतलब क्या कह रहा है वो, ये कह रहा है कि यहाँ से ऐसे देखा और ऐसे देखा, कुछ इस टाइप से बात कह रहा है वो। अभी क्या है वो, ये कह रहा है, अभी समझा देता हूँ। देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एज अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक नीचे 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये क्या है 20 मीटर, मान लो ये ए है ये बी है, तो ए बी इज द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के ऊपर टावर खड़े हैं, जो ट्रांसमिशन टावर होते हैं जो बिल्डिंग से ऊपर खड़े होते हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं ये सी हो गया, ठीक है, तो इसके मतलब जब उसने बच्चे ने या पर्सन ने इसका टावर का बेस देखा तो उसका एंगल अलग, जब और ऊपर देखा तो उसका एंगल अलग। अब ये पहचानोगे कैसे भाई कौन सा किसका, देखो जिसमें लिखा हुआ है एंगलेशन ऑफ द टॉप बॉटम, पहले बॉटम का आएगा, बॉटम का कितना है 45, बॉटम का कितना है 45। और ये जाहिर सी बात भी है, जब मैं कोई चीज़ नीचे की देखूंगा तो क्या होगा एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा, जब मैं ऊपर की देखूंगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ गया। देखो एक चीज़ ऐसे अच्छी ऐसे, तो ऊपर का देखो एंगल ज़्यादा बड़ा है और यहाँ का एंगल देखो तो कितना है थोड़ा कम है, समझ में आ रहा है ना, ये चीज़ ही करना है बस, समझ गए तो बहुत बढ़िया। यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 60 डिग्री, बस इतना सा समझ गए। चलिए जी, और कुछ नहीं किया, नहीं 20 मीटर है, उसने कहा है कि हाइट ऑफ टावर बताओ, ये बताओ ऊपर वाला हिस्सा, तो मैंने इसको मान लिया कितना है, ये है एक्स, कितना है एक्स, मैंने इसको एक्स मान लिया और ये हमारा पॉइंट डी हो गया। तो एक बार छोटे वाला ट्राइंगल लेंगे, ये वाला इन ट्राइंगल ए बी डी, कौन सा ए बी डी यहाँ से, और इसको मैं मान लेता हूँ वाई मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ वाई, ये वाई दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इन ट्राइंगल ए बी डी, देखो ज़रा हमें ये पता है, ये चीज़ हम निकाल, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन ए डी। tan 45 कितना होता है बेटा 1, ए बी कितना है मेरा 20 और ए डी मेरा कितना है y, तो यहाँ से y कितना आ गया आपका, y आ गया आपका 20 मीटर, कितना आ गया 20 मीटर, ये कितना हो गया 20 जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 मीटर पता लग गया आपको। अब क्या करो, आप बड़े वाला ट्राइंगल ले लो ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, इसमें देखो जरा ए डी नीचे वाई है और यहाँ पे क्या है ए सी, एंगल कितना है 60, tan 60 इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए डी, ए सी अपॉन ए डी, tan 60 की वैल्यू रूट 3, ए सी की वैल्यू कितनी है भाई x प्लस 20 और ए डी की वैल्यू तो हमें पता लगी अभी y कितना है हमारा 20 को यहाँ भेज दो, 20 रूट 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 20 को इधर भेजो, तो 20 रूट 3 माइनस का 20 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 20 कॉमन ले ले अगर हम, तो रूट 3 माइनस 1। अगर आपको रूट 3 की वैल्यू पता है या गिवन है क्वेश्चन के अंदर तो आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आप इसको इतना छोड़ सकते हैं। समझ में आ गया बेटा आप सभी को पक्का? तो बेटा इसी के साथ हम क्या करते हैं, 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं अभी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब जो लास्ट के 7 क्वेश्चन है ना, ये हम कहते हैं आपके कहते हैं अगली वीडियो के अंदर देखते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर आपके चैप्टर को कवर करा देंगे। जब तक के लिए आप इन सारे क्वेश्चन को कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इससे पहले कुछ क्वेश्चन है उन्हें प्रैक्टिस कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट।